यूटिलिटी 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 यूटिलिटी। वेलकम वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और छोटी एंड इंटरेस्टिंग सी यूटिलिटी वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप दो ऑडियो आउटपुट कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी से एंड दोनों से सेम ऑडियो आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हो बिना किसी डिले के। सो सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इस यूटिलिटी का आपको कहां यूज होगा, सो जस्ट इमेजिन आप कोई मूवी देख रहे हो, मस्त मूवी चल रही है, आपके ईयरफोन्स लगा के आप मूवी इंजॉय कर रहे हो, उसी टाइम पे कोई आता है और कहता है भाई मुझे भी उस मूवी का आनंद लेना है, तो उस केस में आपको अपने ईयरफोन्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वेल फ्रॉम नाउ ऐसा नहीं होगा, आपको जस्ट उसे बोलना है कि भाई अपना कोई भी वायरलेस हेडसेट उठा के लाओ एंड मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करो, भाई मैं तो अपने ईयरफोन्स नहीं शेयर कर रहा। सो या डेफिनेटली आज की वीडियो के बाद आप अपने वायरलेस हेडसेट एंड वायर्ड ईयरफोन से दोनों से सेम टाइम पे कनेक्ट करके ऑडियो ऑब्टेन कर सकते हो बिना किसी डिले के। साउंड इंटरेस्टिंग टू यू? वेल लेट्स सी कि ये कैसे होता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। So, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री टू यूज है, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे, स्पेशल ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आप स्टेप टू स्टेप यहां से भी चेक कर सकते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है। फर्स्ट स्टेप में ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, आपको वहां से जस्ट डाउनलोड करना है। 10 से 11 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करते ही एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा, एक्सट्रैक्ट कर लेना, इसे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। वेल बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है एंड जस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन आपसे आपको सजेस्ट करेगा कि यू शुड रिस्टार्ट योर पीसी एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको रिस्टार्ट करना है या नहीं, एंड इट जस्ट रिफ्रेश करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। रिफ्रेश करने के बाद विंडो को आपको सर्च में वॉइस मीटर लिखना है, वॉइस मीटर नाम है सॉफ्टवेयर का, एंड आफ्टर ओपनिंग द वॉइस मीटर जस्ट गो टू द सेटिंग एंड सेटिंग में आपको साउंड सेटिंग में जाना है। साउंड सेटिंग में जाने के बाद आपको बिल्कुल टॉप में ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर ऑडियो आउटपुट एंड वहां से आपको अपने लैपटॉप स्पीकर से शिफ्ट करके वॉइस मीटर सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो भी आउटपुट ऑब्टेन हो वो वॉइस मीटर के थ्रू ऑब्टेन हो, जो भी ऑडियो आउटपुट मिले वो वॉइस मीटर के थ्रू मिले। एंड उसके बाद वंस यू डू दैट आपको उसके बाद अपने वायरलेस हेडसेट कनेक्ट करना है। सो Let me just quickly pair my headphones. उसके बाद आप अपने wired earphones connect कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको voice meter software वापस जाना है। जाने के बाद वहां आप right most side में दो option मिलेंगे A1 and A2. A1 में आपको select करना है एक audio output and A2 में आपको दूसरा audio output select करना है। Well, यहाँ पे मैं A1 में select कर रहा हूँ अपने headphones को and A2 में मैं select कर रहा हूँ अपने earphones को, as you can see. And once you do that, आपका सब काम complete हो गया है एंड अगर आपने सारे प्रोसीजर सही फॉलो किए होंगे तो अभी तक आपके ईयरफोन्स में एंड वायरलेस हेडसेट में सेम आवाज आ रही होगी बिना किसी डिले के। नाउ यू कैन प्ले योर मूवी वीडियो ऑन द सेम टाइम एंड दोनों में ऑडियो आउटपुट मिलेगा आपको। वेल यहां से आप अपनी A1 एंड A2 की इंडिविजुअली वॉइस कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर किसी को ज्यादा तेज सुनना है और किसी को लो सुनना है तो डेफिनेटली आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये काफी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है बट इसका एक छोटा सा यूज इसमें भी आता है एंड ये सॉफ्टवेयर ऑडियो मिक्सिंग एंड काफी चीजों में और यूज होता है, बट लिए आपकी ये छोटी सी यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हो आप। So, इतना था इस वाली वीडियो के लिए, कैसी लगी आपको ये यूटिलिटी एंड क्या यूजफुल रहेगी आपके लिए या नहीं हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्लॉग का। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो रोलर अप चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज लाइक शेयर एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो आई एम साइनिंग ऑफ। टिल देन बाय बाय।